नाज़रीन ब्रेक से वापस आ गए हैं, तो आए और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी नाइला मलिक। नूर फातिमा यया। कौन सी क्लास में हो? थ्री ग्रीन फाइव। आप क्या करती हैं? जी मैं हाउस वाइफ। ओके जी। आपके बच्चे हैं? जी मेरे भाई के बच्चे हैं। भाई के? ओके जी। चले जी, मुझे बताएं आज मॉल में कैसा आना हुआ? जी एक्चुअली मैं बच्चों की शॉपिंग के लिए आई थी, उनके स्कूलिंग की कोई चीज़ थी, उनकी पार्टिसिपेट करना था, तो उस वजह से। और वैसे भी थोड़ा सा बच्चों का वो फ्रेश भी तो हो जाते हैं जब इतना स्टडी करते हैं। नो डाउट। राइट भी है बिल्कुल। मुझे बताएं वो कौन सा जानदार है जब वो बोलता है तो उसकी जो आवाज़ है वो 800 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। लाइन 800 ये आपको आई है दूसरे घर में आवाज़? 800 इज टू मच फार। आई डोंट नो। लाइक अगर इस्लामाबाद से भी हो आगे? अच्छा प्लेन होगा। जानदार है? अच्छा जानदार है। तभी आई है दूसरे आवाज घर में तो सोचो। बर्ड में से है या एनिमल में से है? जानदार है, लिविंग जानदार है। तो जानदार तो मुझे आई थिंक, तो आई एम नॉट 100% श्योर कि जो इस्लामाबाद तक भी आवाज़ जाती हो। कोई इस्लामाबाद? मैंने एक आइडिया दिया कि इससे भी दूर ना। इससे भी दूर तो फिर जानदार चीज़ है तो फिर इंसान जान की कहाँ जाती है? एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जाती। बट आप मुझसे कुछ और क्वेश्चंस कर लें। कोई बात नहीं, आप छोड़िए। आप मुझे शेयर क्या करेंगे? मैं शेयर ये करूँगी कि मैं आपकी ब्यूटी के लिए एक मैं आपको अच्छा सा टिप बताऊँगी कि आप मुझे ब्यूटी के लिए टिप आप भी दें और मैं भी दूँ। मैं तो आपसे इतनी इम्प्रेस हुई हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे ब्यूटी टिप्स लूँ। बट मैं फिर भी ये बता रही हूँ कि अपनी ब्यूटी टिप्स के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, टू मच इस्तेमाल करें। और अगर आपको अपनी ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा कुछ चाहिए तो दही के अंदर लेमन को डालकर अगर उसको आप अप्लाई करें, मॉर्निंग पे आप दही यूज़ करें और नाइट पे आप उसको अगर अपने फेस पे अप्लाई करें तो आई थिंक सो कैन मैं 100% श्योर कि आपकी स्किन जो बहुत शाइन करेगी। वाओ, वेरी वेरी नाइस। चले जी, और आप क्या शेयर करेंगी? पॉइंट्स रेड एंड येलो एंड पिंक एंड ग्रीन पर्पल एंड ऑरेंज एंड ब्लू। आई कैन सिंग अ रेनबो, सिंग अ रेनबो, सिंग अ रेनबो टू। लिसन विद योर हार्ट, लिसन विद योर हार्ट एंड एवरीथिंग यू कैन फील। आई कैन सिंग अ रेनबो, सिंग अ रेनबो, सिंग अ रेनबो टू। वेरी वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी बहुत प्यारी जो है वो फैमिली थी, आंटी जो है वो खुद इटसेल्फ बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग थी और उन्होंने जो टिप दी बिल्कुल, योगर्ट इज़ वेरी हेल्दी, वेरी नाइस फॉर यू ऑल गाइज। और जब मुझसे लोग कहते हैं कि मैं टिप दूँ सो मैं आपको टिप दूँगी, डू अप्लाई हनी ऑन योर फेस फॉर 15 मिनट्स। You can use it or apply twice a week. यानी कि आप हफ्ते में दो दफ़ा भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे, तीन दफ़ा भी कर सकते हैं। जस्ट आपने 15 मिनट के लिए हनी अप्लाई करना है, फिर आपने उसको सर्कुलर मोशन में जो है वो हल्का हल्का रब करना है। प्लीज़ डोंट बी हार्श। अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो यूँ 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 ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। नो प्लीज़, बहुत आराम आराम से, आराम आराम से इसको करें। और अच्छा, अक्सर आया है मुझे लोगों ने मुझसे पूछा कि जिन लोगों के यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं वो क्या करें, वो जब भी मुंह धोएं तो टॉवल या टिश्यू से टैप करें, स्क्रैच या रगड़े नहीं, तो उनकी जो ये निशान भी ठीक हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपको और भी अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं और आपके फ़ायदे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद हसन। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं आप? मैं प्रेस में जॉब करता हूँ। ओके, सामने देखेंगे आप। थैंक यू। आज मॉल में कैसे आना हुआ? आज मॉल में बस फैमिली के साथ एंजॉय करने आया हूँ। ओके, मूवी देखने आए हो? नहीं नहीं, वैसे एंजॉयमेंट करने। खाना खाने? जी जी। ओके चलिए, सवाल करते हैं आपसे जी। वो कौन सा परिंदा है जो है तो छोटा सा मगर अगर वो किसी को किक मारे, टांग मारे, तो वो बंदा उसी टाइम मर जाए? उसी टाइम मर जाए वो है पिग। परिंदा? परिंदा नहीं नहीं, घोड़ा। परिंदा है वो?
I'm talking about a bird. I'm asking about a bird. वो परिंदा है. क्या सुनाएंगे आप? मैं गाना. सामने देखिए. दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान. ऐसी ज़मीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ. दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान. थैंक यू. शुक्रिया. शुक्रिया जी. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए. यू वेलकम. अच्छा जी, इन्होंने सुनाया दिल दिल पाकिस्तान. वैसे तो सोच रही थी इस पर मैं कि क्या सुना रहे, थोड़ा दिल से सुनाए, लेकिन वो पहले ही बहुत कंफ्यूज थे. मुझे अच्छा लगता है इतनी कंफ्यूज पर्सनालिटी होने के बावजूद वो रिस्क लेते हैं और कहते हैं हमने प्रोग्राम में आना है. और मुझे लगता है जितने मैं और लाहौर न्यूज़ बुझो तो गिफ्ट बांट चुकी हैं, अब तो हर लाहौरी को जो है वो लाहौर न्यूज़ की शर्ट में नज़र आना चाहिए, है ना. सो गाइस, जितने मैंने आप लोगों को गिफ्ट दिए हैं आप लोग पहन के फिरा करें. मुझे अक्सर नज़र आता है पर मैं चाहती हूँ ज़्यादा ज़्यादा नज़र आए, यू नो, इस तरह हमारी जो है वो और जज्बाती होकर हम आपको और गिफ्ट देंगे. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? अलीशा सलीम. प्लीज़ सामने देखें आप, क्या करती हैं आप? BSc में. कैसी जा रही है स्टडीज? अच्छी जा रही है. ओके, मुझे बताओ इंसानी दिमाग में कितने % पानी है? इंसानी दिमाग में नो आइडिया. सोचो, ट्राई करो. 0% पानी तो दिमाग में तो कोई पानी नहीं होता. अरे पानी बहुत ज्यादा दिमाग में पानी है. कितना है? ओके, क्या सुनाओगी? ब्यूटी टिप शेयर करूंगी. अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो रात को आप आलमंड ऑयल अपने फेस पे लगा के सो जाएं, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी. थैंक यू. आपने ट्राई किया है? जी. कब किया? ये अभी सर्दियाँ शुरू. अच्छी है स्किन. हाँ जी. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए. थैंक यू. यू वेलकम. जी, इन्होंने बताया कि आलमंड ऑयल जो है वो आप अपने फेस पे यूज़ करें, अच्छा होता है वो, वाकई में स्किन के लिए अच्छा होता है. अच्छी बात होती है कि वो अगर बिल्कुल जो है वो प्योर हो तो ही जो है वो आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आप लोग का रिजल्ट भी नज़र आएगा. ये अजीब जगह से ना लें, अच्छी जगह से लें. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? अलीजा. आपका नाम? अनुषा. कौन सी क्लास में? 3. आप क्या करती हैं? मैं 10th क्लास में हूँ. क्या उम्र है? 8 years. 8 years की छोटी नहीं? हाइट छोटी है. नहीं, शक्ल भी मासूम सी छोटी छोटी लग रही है. ओके जी, चलिए सवाल करते हैं. मुझे बताएं हमारे सुनने की सलाहियत पूरे दिन में सबसे ज़्यादा कम कब होती है? सबसे ज़्यादा कम रात को होती है. क्यों? क्यों? क्योंकि रात को मतलब कि पूरा दिन थके हुए होते हैं तो फिर रात को जब होते हैं. नहीं, लेकिन टाइम ठीक है. टाइम रात भी नहीं, जब सो रहे होते हैं. उठने वक्त भी नहीं होती. उठने वक्त क्या शेयर करेंगे आप? थॉमसन एडिसन के बारे में. थॉमसन एडिसन जो है वो एक फेलियर थे और उन्होंने मतलब कि पूरी लाइफ उन्होंने फेलियर की तरह गुजारी थी. फिर एंड में उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई. वो फेलियर बस दिखाने मतलब कि पढ़ाई के उसमें थे, वैसे नहीं थे फेलियर. और उनकी एक मैं वाक्या शेयर करूँगी. रिसेंटली मैं उनके बारे में पढ़ रही थी तो उन्होंने उनका वाक्या कुछ यूँ था कि वो कीड़े वगैरह वो उनका दिमाग कुछ इतना था कि एक दफ़ा उन्होंने कहा अपने दोस्त को, एक दफ़ा वो परिंदों को देख रहे थे तो उन्होंने परिंदों को देखा कि वो कीड़े खा रहे हैं तो उनको लगा कि कीड़े खाने से शायद इंसान भी उड़ना शुरू हो जाएं. उन्होंने कीड़े लिए और उसको मसल कर जो है ना अपने दोस्त को खिला दिए कि कहा कि अगर तुम भी कीड़े खाओगे तो तुम भी मतलब कि उड़ना शुरू हो जाओगे. उन्होंने कीड़े खाए और उसके बाद फिर वो उड़ नहीं पाए और उसके जो फ्रेंड थे वो बीमार हो गया. उसके बाद जब उनकी मम्मा को पता चला तो उसने थॉमसन एडिसन की मम्मा को कहा और उसके बाद उसे बहुत डांट पड़ी थी. तो यही इस तरह के छोटे छोटे काम थे जो उन्होंने किए थे और जिसकी वजह से उनको फेलियर कहा जाता था. थैंक यू. वेरी नाइस. क्लैपिंग करें भाई इनके लिए. आप भी खुद भी करें अपने लिए. आपने क्या सुनाना है? पोइम. इफ यू हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स. इफ यू हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स. If you're happy and you know this, really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, snap your feet. If you're happy and you know it, snap your feet. If you're happy and you know it, really want to show it. If you're happy and you know, clap your feet. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray.
If you're happy and you know it, and you want to share it, if you're happy and you know it, shout hooray. Hooray! Thank you. Wow! Very nice. Behne ho dono? Ji. Achha, kafi attachment hai? Ji, almost. MashaAllah. Lahore News ki taraf se aap logon ke liye gift. Thank you. You're welcome. बहुत क्यूट बच्ची थी और कि बहनों में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी थी. जैसे बड़ी बहन जो है वो पोएम में उसका साथ दे रही थी, जबकि अक्सर होता है सही सुना हो पीछे से चुटकियाँ काट रहे होते बच्चों को चुटकियाँ काट रही होती हैं बहनें माएँ. ओए सही सुनाओ. शी वॉज टोटली डिफरेंट. वो उसके साथ सन कर रही थी, उसको जो है वो सपोर्ट कर रही थी. आई लाइक हर एटीट्यूड. प्लीज़ ऐसे लोगों को देखा करें. आप लोगों को इतने लोगों से मिलाने का मकसद ही यही होता है कि आप अपने आप को एक दूसरे से देख के सीखें और बेहतर करें. अंजाम ने कहा वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? शुमाइला. क्या करती हैं? घर में हाउसवाइफ. वाओ. आज यहाँ पे कैसे आना होगा? बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए. क्या खरीदा? बच्चों के लिए कुछ टॉयज हैं और कुछ बच्चों के लिए किचन्स वगैरह. और अपने लिए सर्दियों की शॉपिंग की? नहीं अभी नहीं की. ओके, तो क्या सोचा है, किस कलर के कपड़े लेंगी? जाहिर है विंटर है तो ब्राइट कलर ही चलेंगे. डार्क डार्क कलर्स दे. डार्क कलर्स वो ज्यादा अच्छे लगेंगे. अच्छे लगते हैं. डार्क ग्रीन, डार्क मरून. डेफिनेटली. ओके चलिए जी, सवाल करते हैं. प्लीज मुझे बताएं वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे लड़का लड़की की शादी से पहले उनके दिमाग का टेस्ट लिया जाता है कि ये नॉर्मल भी है या नहीं? ऑस्ट्रेलिया. दिमाग का टेस्ट किया जाता है पाकिस्तान तो नहीं क्योंकि यहाँ ही ज्यादा होते. लेकिन यहाँ पे हमारा तो नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ. अमेरिका. क्या शेयर करें? मैं बच्चों के लिए कुछ टिप्स, क्योंकि विंटर है बच्चों के लिए एक तो मिल्क का बहुत ज़रूरी है, सेकेंडली बच्चों को ड्राई फ्रूट विंटर में ज़रूर थोड़ा सा उनके ब्रेन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी फिटनेस के लिए ज़रूर देना चाहिए, जो कि बच्चों की ज़रूरत भी है और बड़े भी यूज़ कर सकते हैं इसको. बस मेरा यही है कि बच्चों को हेल्थी डाइट देनी चाहिए विंटर में. थैंक यू. वेरी नाइस. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. यू आर वेरी स्वीट. बाय. थैंक यू. जी इन्होंने बताया कि बच्चों की डाइट अच्छी रखें. अगेन इसमें मैं अपना एक मशवरा दूंगी. वो जो माएँ बच्चों को नूडल्स बना के कह रही थी चुप करे खा जाओ, और छोटी मोटी ये जो टॉफियाँ और चॉकलेट्स और कैंडीज खाते रहते हैं बच्चे और इसी से पेट भरते रहते हैं, डोंट. आप अपने बच्चों के साथ खुद बुरा कर रही हैं. मैकडोनल्ड खाना है, वाई मैकडोनल्ड? उनको आप अभी से जो है वो आप उनको जंक फूड की आदत डालेंगे तो उनका जो है स्टमक डिस्टर्ब होगा, ठीक है? फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मोटे भी होना शुरू हो जाएंगे. आप उनको अच्छा खाना बना के खिलाएं. खुद आप घर में उनको मटन खाने की, चिकन खाने की आदत डालें, सब्जियां खाने की आदत डालें, दाल खाने की आदत डालें. उनको दाल का सूप बना के दें, टमाटर का सूप बना के दें, उनको चिकन और मटन का बना के दें. उनका टेस्ट डिवेलप करना पड़ता है. टेस्ट ये नहीं हमारा बच्चा तो खाता ही नहीं. आपने क्या कभी कोशिश की इतने अच्छे सूप्स बना के दिए? जब आप उसको अजीब सी रोटी ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो वो यही करेगा, ठीक है? आराम आराम से उसको आहिस्ता आहिस्ता गाइड करें. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है? अहमद. क्या करते हैं? मैं ओआर मैनेजर हूँ हॉस्पिटल में, नेशनल मेडिकल सेंटर कराची. आज यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारी ट्रेनिंग थी शालामार हॉस्पिटल में, तो आफ्टर सिक्स हमने क्या किसी मॉल में चलते हैं, यहाँ मॉल में आए तो आप कराची में रहते हैं? जी हाँ. लाहौर कैसा लगता है आप? लाहौर में 10 ईयर्स बैक आया था, मगर बिल्कुल नाइस वे चेंज. लाहौर टोटली चेंज. अच्छा, कराची में तो ठंड नहीं होती ना? सो सो, क्योंकि बारिश नहीं होती तो ठंड भी नहीं होती. मिस करते हैं सर्दी को? बहुत ज़्यादा मिस करते. चले जी. ओके, मुझे बताएं कि किस मुल्क की लड़की ने आईफल टावर से शादी की थी? उस मुल्क का नाम बताना है आपने. किस मुल्क की लड़की ने आईफल टावर से शादी की थी? अमेरिका ही होगी. राइट आंसर. क्लैपिंग करें अपने लिए. पहली टाइम में सही जवाब दे दिया. क्या सुनाएंगे? कोई भी सॉन्ग सुन लें. हुई आंखें नम और ये दिल मुस्कुराया, तो साथी कोई भूला याद आया, तो साथी कोई भूला
याद आया क्या यही प्यार करने का अंजाम है, दिल लगाने का ये कैसा इनाम है। कभी सर्द मौसम में कोई घर जलाया तो साथी कोई भूला याद आया। वेरी नाइस जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, बहुत शुक्रिया जी। वो कराची से आए हुए हैं, हमारे जो मेहमान ही कहते हैं हम लोगों को जी, जो भी हमारे लाहौर में आता है, लाहौरी तो बहुत है, जो कहते हैं लाहौरी नहीं लाहौरी जो है वो फुल दिल कहते ना खोल के जो है वो आपका वेलकम करते हैं। और कराची में तो भाई बड़ी गर्मी पड़ती है, बड़ी गर्मी पड़ती है। मैं कराची गई, मैं तो दो दिन में बाकी वापस आ गई, इतनी गर्मी पड़ती है। मतलब लाहौर में रहने वालों को ज़्यादा फील होता है, मगर सी साइड है तो वो एक हमेशा से ही अच्छी लगेगी। लेकिन कराची जितना खूबसूरत आना, मुझे दुख होता है लोगों ने बहुत उसको गंदा कर दिया है। फिर यहाँ पे आके आप लोग कहते हैं कि जी लाहौर जो है वो बहुत उसको प्रायोरिटी ज़्यादा, ऐसा नहीं है, लोगों का बड़ा रोल होता है। तो अगर आप लोग कराची के लोग जो हैं, आई लव यू गाइस, मगर प्लीज़ सफाई का ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा। बहुत गंद मारा यार आप लोगों ने, तो समंदर को भी गंदा करना शुरू कर दिया है। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसन। क्या करते हो? एफए पार्ट 2 में स्टडी करता हूं। ओके, मुझे अब बताओ वो कौन सा पौधा है, प्लांट, जिसकी जो रूट्स हैं यानी कि जड़ें वो 613 किलोमीटर तक जाती हैं, 613 किलोमीटर तक पहुँचती हैं। दरख्त है, पौधा है छोटा सा, उसका अंगूर का, अंगूर के अलावा स्ट्रॉबेरी का, रेड ग्रेप्स का। क्या सुनाओगे? स्मूथ सॉन्ग। तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहें, ये रास्ते लग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, ओ मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। गाते रहते हो? हाँ जी मैं गाता रहता हूँ। वेरी नाइस, गुड वॉइस जी, बहुत ही टैलेंटेड जो है वो बच्चा था, और उसकी जो आवाज़ है वो भी अच्छी थी। और बच्चों में जो भी टैलेंट पाया जाए उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें, ज़रूरी नहीं है कि वो फील्ड भी उसको मिले, वो अपनाए। अक्सर पेरेंट पहले इतने एग्जैजुरेट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, ओ मत गाओ गाना, ओ मत ये ना करो, तुम ये बन जाओगे, ज़रूरी नहीं है। अगर उसका कोई शौक है, हो सकता है वो शौक की प्रैक्टिस करे तो वो खुद ब खुद उतर जाए। तो छीनने की बजाय आराम आराम से बच्चों को समझाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नदीम तैयब। कौन सी क्लास? 3। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट आईटी फर्म में असिस्टेंट मैनेजर। ये भी आपके साथ? हाँ, ये मेरे। क्या नाम है? साद। कौन सी क्लास? 4। ओके जी, सर्दी आ गई ज्यादा ही आपकी? मेरे पास तो नहीं आई, इनकी बड़ी आई है। चले जी, जो लोग पानी से डरते हैं इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, गैमोफोबिया के लोग किस चीज से डरते हैं? गैसेस वगैरह से। क्या शेयर करेंगे? सॉन्ग्स करूँगा। ए दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, अपनी कहानी रो रो सुनानी, ये पे फेरे। बस इतना ही आता है। क्या सुनाओगे? बॉय टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, आप अपना बात सो है लाइक अ डायमंड इन द स्काई। वेरी नाइस बेटा, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए।
थैंक यू जी। यू वेलकम जी। बड़ा प्यारा बच्चा था। अच्छा, बच्चों की तो कपड़े देखे मुझे वाकई लगता है यार बहुत सर्दी आ गई है, बड़ों को जो है वो भी इतनी सर्दी नहीं लग रही, क्योंकि बच्चों को जैसे कि आपको पता ठंड भी जल्दी लगती है और वो एवी जो है ना वो सर्दी कपड़े ले लेके फिरते रहते हैं कि वाओ अब हम जो है वो जैकेट्स पहनेंगे। और जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।